सीवान से एक बड़ी खबर है, जहां गोरियाकोठी थाना इलाके के अफराद के समीप मुस्लिम श्रद्धालुओं से भरी वाहन पलट जाने से लगभग 4 मुस्लिम श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताते चले कि यूपी के रामगढ़ से पटना फतेहपुर में कोई जलसा होने वाला था और उसी जलसे में लगभग 8 की संख्या में मौलवियों का जत्था पटना फतेहपुर जा रहा था, तभी कार चालक अपना संतुलन खो दिया और गाड़ी एक गड्ढे में पलट गई, जिसमें 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि एक की गंभीर स्थिति बताते हुए डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया और सभी लोगों का इलाज सीवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट। कैसे एक्सीडेंट हो गया? हाँ, गाड़ी से मतलब ऐसे है, हाँ एक साइड बैलेंस, हाँ बैलेंस नहीं काम किया, उसमें गड्ढे पर गिर गया और पेड़ पर टकराया। कहाँ से आ रहे थे? हम लोग रामगढ़ से आ रहे थे, सिवान, हाँ सिवान का फतेहबाग। अपना नाम बता दिए? सुजात अली।